सिलगढ़ी नगर निगम का प्रशासक एवं राज्य का पूर्व मंत्री गौतम देव त्रिवेणी कोविड अस्पताल को परिभ्रमण करी आज सिलगढ़ी फर्किए। हिज उनी त्रिवेणी कोविड अस्पताल आएका थिए भने उनी हिज पेशोकमा नै बसेका थिए। पेशोक में आप इधर में जो त्रिवेणी हॉस्पिटल तैयार हुआ तो जीटीए का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात हुआ था सिलीगुड़ी में, एक बार देखना चाहता है। स्टेट ऑफ द आर्ट है, हमारा स्टेट में इतना अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत कम की है, वो सीनिक ब्यूटी भी अच्छा है। तो कल संडे छुट्टी का दिन था तो आया, उसको देख के गया क्या क्या फैसिलिटीज है, कैसे पेशेंट लोग को ट्रीट कर रहा है, कहाँ इधर में एक्टिमेशन हो रहा है, बड़े और कहाँ में हो रहा है, और टू नर्स से कैसे उसको एग्ज़ाम हो रहा है, लैब सारे देखा है, और डिस्कस भी हुआ कैसे वो हेल्थ केयर सिस्टम डॉक्टर्स बाद में वो लोग को बाहर कोई एकोमोडेशन हो जाए तो करीब 200 करीब बेड हो सकता है इधर त्रिवेणी में। त्रिवेणी में और सुना है कि अब ये क्या बोलता है कि सेकंड फेज में वो फंगल क्या बोलता है ना वो भी फैला हुआ है, ये भी सुनने को आए हैं। वो इधर में नहीं है, मेडिकल में है। एक दो केस में बंगाल में डिटेक्ट हुआ, अभी तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल में हुआ, नॉर्थ बंगाल में सुनने को आया था। और आपने पहाड़ की जो राजनीतिक माहौल है उसके बारे में आपको क्या कहना है? अभी तो राजनीति पहाड़ में शांति है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोविड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी है, लेकिन देखने पड़ेगा पहाड़ का परिस्थिति कैसा हो रहा है। बट पहाड़ का ज़्यादा आदमी ना गवर्नमेंट हुआ ममता बनर्जी के लीडरशिप में, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन में दो सीट बीजेपी को जरूर मिला जी एन एल एफ को साथ लेके, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग टीएमसी और टीएमसी का जो सहयोगी पार्टी होगा उन लोग को सपोर्ट करेंगे। जो चाय बागान वालों के लिए कोविड के लिए जो वैक्सीन का वैक्सीन के बारे में क्या कहना है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल हो रहा है, वो लोग वैक्सीन नहीं दे रहा है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट कोशिश में है लेबर्स लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वैक्सीन देने के लिए।